सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आप सभी के साथ के लिए सादर धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही होंगी। मेरा उद्देश्य हिंदू धार्मिक कथाओं का ज्ञान आप सभी तक पहुँचाना है, तो इसी तरह हमारी सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए व बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए अगस्त मुनि की कथा को लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे क्यों पी लिया था अगस्त मुनि ने समुद्र का सारा जल। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारी आज की इस कथा को। एक समय था जब देवताओं के आग्रह पर अगस्त मुनि ने सभी समुद्रों का जल पी लिया था ताकि देवता राक्षसों का वध कर सके। आज हम आपको उसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। एक समय दैत्यों के राजा वृत्तासुर ने, जो देव राजा इंद्र व उनकी सेना पर आक्रमण कर उन्हें परेशान कर रहा था, सभी देवता उससे परेशान हो गए थे। इसलिए देव इंद्र ने महर्षि दधीचि की स्तुति कर उनकी हड्डियों से शक्तिशाली वज्र का निर्माण किया व वृत्तासुर का वध कर डाला। वृत्तासुर का वध होते ही दैत्य सेना में हाहाकार मच गया व सभी अपने जीवन की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगे। वृत्तासुर के वध के पश्चात दैत्यों के पास कोई राजा नहीं था, तब सभी धरती पर अपना जीवन बचाने के लिए छिपने लगे, लेकिन देवता उनको ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। इसलिए सभी दैत्यों ने समुद्र के नीचे छुपने का सोचा ताकि देवता उन्हें ढूंढ ना सकें। यह सोचकर सभी दैत्य समुद्र की गहराइयों में जाकर छिप गए। दैत्यों के समुद्र में छिपे होने के कारण देवताओं को उन्हें ढूंढने में बहुत समस्या आ रही थी, क्योंकि समुद्र अति विशाल होने के साथ साथ बहुत गहरा भी था व साथ ही पानी के अंदर देखा नहीं जा सकता था। इसलिए देवता दैत्यों का वध कर पाने में असमर्थ थे। साथ ही दैत्य रात्रि में समुद्र से बाहर निकलकर ऋषि मुनियों पर आक्रमण कर उन्हें खा जाते थे, जिस कारण देवताओं की शक्ति कम होती जा रही थी। दैत्यों के छल से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए व उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि दैत्यों को तभी मारा जा सकता है जब समुद्र का जल सूख जाए। इसके लिए उन्होंने उपाय सुझाया कि पृथ्वी पर ही अगस्त मुनि नामक एक महान तपस्वी रहते हैं, जो अपनी शक्ति से समुद्र के जल को पीकर उसे सुखा सकते हैं। भगवान विष्णु से आदेश पाकर सभी देवता अगस्त मुनि से सहायता मांगने गए। जब ऋषि अगस्त ने देवताओं की समस्या सुनी, तब वे उनकी सहायता करने को तैयार हो गए। वे सभी देवताओं के साथ समुद्र के तट पर गए व अपने हाथ से जल लेकर पीने लगे। देखते ही देखते सारे समुद्र का जल समाप्त हो गया व दैत्य उसमें साफ दिखाई देने लगे। दैत्यों के बाहर आते ही सभी देवताओं ने उन पर भीषण आक्रमण कर दिया व सभी का वध कर दिया। कुछ दैत्य डरकर वहां से भागकर पुनः पाताल लोक को चले गए। इस प्रकार अगस्त मुनि ने समुद्र का जल पीकर देवताओं व ऋषि मुनियों की सहायता की व दैत्यों का अंत करवाया। जब देवताओं ने राक्षसों का वध करने के पश्चात अगस्त मुनि से समुद्र का जल वापस लौटाने को बोला, तो उन्होंने इसमें असमर्थता दिखाई व उन्होंने बताया कि अब वह सारा जल उनके पेट में पच चुका है। सभी देवता अगस्त मुनि के द्वारा समुद्र का जल ना लौटा पाने के कारण भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगने गए। तब भगवान ब्रह्मा ने बताया कि कुछ समय पश्चात भागीरथ इस पृथ्वी पर आएंगे व उनके तप से माँ गंगा इस धरती पर आएंगी। उन्हीं के जल से विश्व के सभी समुद्र पुनः भर जाएंगे।
तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।